अवधेशपुरी जी महाराज, चमत्कार से नमस्कार करने वालों की भी बहुत बड़ी तादाद है, लेकिन आप जैसे जो बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए लोग हैं, सनातन धर्म को जो प्रचार और प्रसार दे रहे हैं, उनका भी ये दायित्व है ना कि अगर अंधविश्वास कहीं से भी फैल रहा है तो उसको रोका जाए, ताकि आगे आने वाले वक्त में सनातन धर्म को बदनाम नहीं किया जा सके। क्योंकि इनके भी समर्थक कह रहे हैं कि वो सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं तो उनको बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। बात और प्रचार करना भी चाहिए, हम उसकी प्रशंसा करते हैं और हमारी शुभकामनाएं भी उनके साथ हैं। खूब आगे बढ़े, सनातन धर्म का प्रचार करें, उसकी रक्षा करें। हमारे हैं, अपने हैं, हमें खुशी होती है, हमें गौरव भी होता है। लेकिन आपने ये जो कहा कि अगर समाज में कोई ऐसा संदेश चला जाता है जैसे कि हिंदू धर्म में ढोंग है या पाखंड है या ये तो इस प्रकार की बातें मानते हैं, तो चमत्कार को भी बहुत अच्छा नहीं लोग मानते जो बुद्धिजीवी वर्ग है, इन चीजों से बचने की आवश्यकता रहती है। तो धीरेन्द्र ये जो चमत्कार है वो कैसे होता है, मैं आपसे जानना चाहूंगी। देखिए, कोई अगर बीमार है वो दवाई भी करा रहा है, लेकिन फिर वो सोचता है कि अगर साधु संतों का कुछ आशीर्वाद मिल जाएगा तो हो सकता है कुछ अच्छा हो जाए। लोग इस भरोसे के साथ बाबाओं की शरण में जाते हैं, तो मैं इसके बारे में, क्या एक विश्वास होता है जो लोगों को दूसरी आध्यात्मिक शक्ति देता है, इस वजह से उनके शरीर में बदलाव होता है और हो सकता है बहुत सारी परेशानियां उनकी खत्म भी हो जाती हूं, क्योंकि विश्वास में भी एक शक्ति होती है जिसको आप बाबा से जोड़ लीजिए या खुद की इच्छा शक्ति से जोड़ लीजिए, ये अलग और अलहदा हो सकता है। ये जो चमत्कार होता है आप बाबाओं की ओर से किया जाता है, किसी को आशीर्वाद देकर किसी की परेशानी दूर कर दी जाती है, ये कैसे होता है? हेलो जी अध्यक्षपुरी जी, आप ही से ये सवाल था। अच्छा अच्छा, मैं पूरी बात आपकी समझ नहीं पाया, लेकिन ये बात तय है कि सिद्धि एक अलग चीज होती है और सिद्धि के द्वारा, लोगों के विश्वास के द्वारा असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। क्योंकि जहाँ श्रद्धा है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, उस व्यक्ति को ज्ञान भी प्राप्त हो जाता है। और दूसरी बात यह है कि जहाँ श्रद्धा है वहां से उसकी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती है। तो मनोकामनाएं तो हम एक पत्थर में भगवान मान लेते हैं और वहां से हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होने लगती है। हम एक वृक्ष के अंदर अगर श्रद्धा रखते हैं तो वहां से भी हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होने लगती हैं। तो ये मनोकामनाओं का जो एक सब्जेक्ट है वो लॉजिकल हो भी सकता है और लॉजिकल नहीं भी हो सकता है, वो श्रद्धा का सब्जेक्ट है। बिल्कुल। तो इसलिए लोगों को अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार भी वहां से लाभ प्राप्त होता है। तो वो कर रहे हैं तो अच्छी बात है, उसमें बहुत कुछ ऐसा नहीं है कि जिसकी निंदा की जाए। मैं समझता हूँ कि इतने कम समय में इतने लोग अगर उनसे जुड़े हैं, अच्छी बात है, वो काम उनका आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन थोड़ा सा फिर भी अगर वो अपने व्यक्तित्व में सुधार करते हैं या जिन जिन चीजों का विरोध हो रहा है उनको वो धीरे से हटाने का प्रयास करते हैं, हाँ, तो और अच्छा होगा, मैं तो कहना चाहता हूँ। बिल्कुल। अब कुछ और बयान है क्या जो हम अपने दर्शकों को दिखा सके, क्योंकि कई उनके एक के बाद एक कई ऐसे बयान है जिसको लेकर अक्सर सवाल पूछे जाते हैं कि सनातन धर्म का प्रचार करने वाला अगर कोई युवा चेहरा है वो इस तरह की बातें कैसे कर सकता है। बार बार सोनिया दीदी, क्या मेरी आवाज मिल रही है आपसे? कई बार मैंने सवाल पूछा तक मेरी आवाज नहीं जा पाई थी जी। ये फर्क कैसे किया जाए कि कौन से लोग अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं और कौन से लोग आस्था के नाम पर लोगों का भला कर रहे हैं? देखिए चित्रा जी, साधना और सिद्धि का हमारा उस समय चर्चा चल रहा था, तो जो भी साधक होगा, चाहे वो किसी भी देवी देवता का साधक हो, सनातन धर्म में पांच ही की पूजा का विधान है, जगदम्बा, गणेश जी, शिव जी, नारायण और सूर्य, ये पांचों के ही किसी न किसी स्वरूप का पूजन किया जाता है। इसके बाहर किसी का पूजन जो है वो अमान्य है, वो अशास्त्रीय है। जैसे आप उदाहरण के लिए, अगर शिव का ही एक रूप भैरव भी है, शिव का ही रूप हनुमान भी है, तो इस तरीके से यदि अगर आप उस मापदंड में भी देखें या किसी भी मापदंड में देखें पराविद्या ज्ञान के, तो उसका एक नियम है। पराविद्या में ऐसा नहीं है कि महिमा अणिमा लघिमा या अष्ट सिद्धियां मिल गई तो उसके नियम नहीं है। आप उसका अपने मुख से, अपने तरफ से अगर बखान करेंगे तो वो सिद्धि क्षीण हो जाएगी, ये बहुत बड़ा नियम है, ये हर साधक जानता है। इसका मतलब ये है कि यदि हमें भगवान ने कृपा करी है, जैसा कि धीरेन्द्र शास्त्री जी के व्यक्तित्व में और उनकी जो फॉलोअरशिप बनी उसमें हम देख सकते हैं, और उनको जो पीठ मिला है हनुमान जी का उसके हिसाब से हम देख सकते हैं, तो मेरा ऐसा सोचना है कि उस कृपा का वे सदुपयोग थोड़ा सा धैर्य और संतुलन के साथ करें तो सनातन धर्म का प्रचार और प्रसार और जो उनकी अच्छे ध्येय है वो अच्छे उजागर होंगे। बिल्कुल। बेस्ट पार्ट ये है उनका कि वो हनुमान जी के साधक है,
हनुमान जी के जो वो आधार को लेकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी भाषा से हमें ऐसा लगता है कि वे आजकल के समाज के प्रभाव में बात कर रहे हैं। तो समाज के प्रभाव और अभाव को छोड़ के वे सिर्फ अपने भगवान की हाँ जो साधना और सिद्धि है उसके उसके नियमों के अनुसार यदि वे कार्य करेंगे तो ये जितने भी प्रश्न चिन्ह हो रहे हैं वे समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि इसी तरीके के प्रश्न चिन्ह समाज में कुरीतियों को और अंधविश्वास को भी पैदा करते हैं। बिल्कुल तो जो भी व्यक्ति पीठ पर आ रहा है या गद्दी पर आ रहा है या व्यासपीठ पर से कथा कर रहा है, उसे इस बिल्कुल चीज का ध्यान रखना चाहिए कि उस गद्दी की गरिमा क्या है।